बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स, वेलकम टू प्रोफेसर गुलाम हुसैन भट्टी केमिस्ट्री चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक, रिलेटिव एटॉमिक मास, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर वन। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमको एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पेश आई। एज वी नो दैट मैसेज ऑफ एटम्स रेंजेस फ्रॉम 10^-24 टू 10^-22 ग्राम और 10^-27 किलोग्राम। Now, my dear students, we cannot weigh such extremely small mass in gram or kilogram. हम इतनी small mass को gram या kilogram में weigh नहीं कर सकते। That is why it is expressed in AMU. Therefore, we have expressed atomic mass in एटॉमिक मास यूनिट AMU इंस्टेड ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम्स। टुडे आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट AMU, KG एंड ग्राम्स। नाउ देयरफॉर वी कैन यूज द टर्म रिलेटिव एटॉमिक मास इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। दिस इज द रीजन बिहाइंड। अब माई डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि किसी एक एलिमेंट की मास को किसी दूसरे एलिमेंट की मास के साथ कंपेयर करना, और इसके लिए हम कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट्स को भी यूज़ करते हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU इंस्टेड ऑफ किलोग्राम आर ग्राम। और ये इसका आंसर मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम केजी और ग्राम के ज़रिए इतनी स्मॉल मैसेस को मैयर नहीं कर सकते, इसके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं। सो एज यू नो दैट वन ए एम यू की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 × 10^-27 kg। सो वी कैन यूज रिलेटिव एटॉमिक मास इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट के मास के साथ कंपेयर करते हैं जिसका मास बहुत स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल, पीरियाडिक टेबल में अगर हम देखें तो पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का मास सबसे स्मॉल होता है। हाइड्रोजन हैज़ द लीस्ट मास। सो when we find out the relative atomic mass of an element, we will compare that the mass of that element with hydrogen. अब इसमें हम हाइड्रोजन के साथ दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो इस मास को, जो मास हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालेंगे किसी भी एलिमेंट की, उस मास को हम क्या नाम देंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, Avogadro in 1811, इसने क्या काम किया था? In 1811, Avogadro suggested that atomic and molecular masses could be expressed on atomic mass scale. This scale is based on the comparison of atomic and molecular masses with the mass of a reference atom. At a certain time, hydrogen and oxygen atoms were used as reference atoms. अब एक वक्त था, यानी 1811 की बात है, कि हम क्या करते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर यूज करते थे फॉर डिटर्मिनिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास।
At a certain time, hydrogen and oxygen atoms were used as reference atoms for describing the atomic mass. Students, what is the old definition of relative atomic mass by using hydrogen as standard reference element? Mass of an atom of an element compared with mass of an atom of an element compared with mass of an atom of hydrogen taken as standard is called relative atomic mass. कि जब हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करने का ड्रॉबैक ये होता है, व्हाट इज़ द ड्रॉबैक डिफेक्ट व्हेन वी यूज़ हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस इज़ दैट हाइड्रोजन हैज़ थ्री आइसोटोप्स. हाइड्रोजन हैज़ थ्री आइसोटोप्स, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2 एंड हाइड्रोजन 1-3, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम. ये तीनों के तीनों आइसोटोप, ऑल द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर अनस्टेबल एंड ऑल द थ्री आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. देयरफॉर वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बाय यूजिंग हाइड्रोजन एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस. The historical background by for using carbon as standard reference is that in 1957, Ollander and Neer proposed an atomic mass scale based on the choice of carbon 12 isotope. And in 1961, IUPAC has also accepted Ollander and Neer proposed atomic mass scale. IUPAC accepted the scale to be used for expressing the atomic and molecular masses. Dear students, in this scale, atomic mass of carbon 6-12 isotope has been assigned as atomic mass of carbon, that is, it will be taken as 12.00 atomic mass unit. Carbon 6-12 isotope has been assigned an atomic mass of 12 units exactly. कि carbon 12 जो है वो जो scale है उस पर carbon का जो mass होगा वो कितना होगा, वो exactly 12.00 amu होगा. This was the proposed model of Ollander and Neer, and IUPAC has accepted it in 1961. तो dear students, तो फिर हम कार्बन के आइसोटोप कार्बन 12 जो कि स्टेबल आइसोटोप होता है को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर यूज करते हैं. ड्यू टू द स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन 12 is used as standard reference. Therefore, mass of an atom is compared with carbon 6-12. That is why the term relative atomic mass is used instead of atomic mass. Dear students, relative means that, suppose that, say that I am nothing. Atomic mass is nothing, I am nothing, but my cousin is Chief Justice of Pakistan, or and I am known with the with my cousin who is Chief Justice of Pakistan. Say, I am the atomic mass, and my cousin is Chief of Army Staff, and I am nothing, but I am known with the reference of my cousin who is Chief of Army Staff. Similarly, atomic mass is nothing, but रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक कार्बन 12 के आइसोटोप के साथ कंपेयर करके निकालते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास? डियर स्टूडेंट्स, इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 एज 12 amu. डियर स्टूडेंट्स, relative atomic mass is denoted by AR. A for atomic mass, R for relative. Is its formula is average atomic mass of one atom of the element divided by
1/12 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 carbon 12 एटम। अब हम इस फार्मूला को यूज करके किसी भी एलिमेंट की रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज AMU। द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद मास ऑफ एन एटम, that is 1/12 the mass of carbon 12 taken as standard is called atomic mass unit. The mass of an atom of an element compared with mass of an atom, that is 1/12 of carbon 12 taken as standard is called atomic mass unit. My dear students, 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to 10 की पावर माइनस 27 kg आर 1.661 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आर 1.661 10 की पावर माइनस 21 मिलीग्राम। एंड नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द एटॉमिक मास यूनिट? डियर स्टूडेंट्स, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। नाउ एब्सोल्यूट मास ऑफ कार्बन 6 12 एटम का जो एब्सोल्यूट मास है ये कितना है? इसकी वैल्यू है जी 1.9924 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। Now put this value in mass of carbon 12 atom, then divide it with 12, its mass will be equal to 1.661 10 की पावर माइनस 27 kg। तो हमने कितना निकाला था? इसका मतलब क्या हुआ? 1 AMU is equal to, hence it is proved that 1 AMU is equal to 1.661 10 की पावर माइनस 27 kg, it has been approved। Dear students, हमने यहाँ ये बात की कि कार्बन 12 का हम 1/12 पार्ट लेंगे, ये कैसे लेंगे? हम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट लेंगे, क्यों 12 पार्ट जो है वो लेंगे? क्योंकि कार्बन 12 के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 12 पार्ट्स होते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका 1/12 पार्ट किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यानी इसके अगर 12 पार्ट लेंगे तो इसका जो 1 पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 1/12 पार्ट किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू 1। मीन्स हम किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके जो मास निकालेंगे इसे एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। अब आप सपोज करें कि एक वेट बैलेंस है, उसकी वन साइड पर जो है आप कार्बन 12 ले लें और दूसरी साइड पर 12 बॉल रख दें, तो 12 बॉल्स का वन पार्ट जो है, 12 बॉल्स का जो एक बॉल अगर निकालेंगे, वो जो एक बॉल निकाली है वो किसके इक्वल होगा? वो 1/12 पार्ट होगा। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए कि ये 1/12 पार्ट का मतलब क्या होगा। इनफैक्ट हमने ये स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए किसी भी एलिमेंट के स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए जो है क्या करना होता है, हमने उसको जो है हाइड्रोजन को के साथ कंपेयर करके ही निकालना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे स्मॉल होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन का आइसोटोप, कोई भी आइसोटोप स्टेबल नहीं होता, इसलिए हम कार्बन स्टेबल आइसोटोप होता है, इसलिए हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर वी कैन नॉट यूज़। और फिर कार्बन को हाइड्रोजन से हम बदलते हैं और कार्बन 12 का कौन सा पार्ट लेंगे? 1/12 पार्ट लेकर उसका जो मास निकालेंगे उसे हमने क्या नाम देंगे? एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 6/12 इज एग्जैक्टली 12.00 ग्राम 12.00 AMU। इट इज द
ये क्या है, कार्बन 12 स्केल पर जो है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 6-12 कितना होगा, 12.00 amu। इसी तरह हाइड्रोजन का जो है कितना होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, 1.008 amu इट इज कार्बन, इट इज फॉर हाइड्रोजन। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ क्लोरीन इट विल बी 35.4543 amu विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। दे आर एक्सप्रेस्ड इन amu इंस्टेड ऑफ kg और इंस्टेड ऑफ किलोग्राम और ग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड स्पेक्टेटर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई हैव एक्सप्लेन्ड रिलेटिव एटॉमिक मास by and I have described in detail its historical background and when we use hydrogen as standard reference and when we use as carbon as standard reference, I have explained it in detail. Thank you very much for watching my video. Please like, subscribe and share my video with your friends. Thank you.